महाबलेश्वर से मुंबई जाते समय रास्ते में कार अचानक रुक गई। मैं काफी समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कार किसी भी तरह से स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा तो देखा कि रात के 2:10 हो रहे हैं। मैं कार से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई तो नहीं है। अचानक मेरी नाक में एक बहुत तेज सुगंध आई। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वहाँ एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई बोली, सर कार के अंदर का काम खत्म करोगे क्या? कार यहीं रुक गई। मुझे लड़की की बात समझ नहीं आई। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या काम? लड़की ने अपने होंठ चाटते हुए कहा, आपको क्या समझ नहीं आया? काम तो सब करते हैं, सिर्फ काम की जगह बदलती है। रिक्शे वाले, ड्राइवर वाले काम करते हैं झोप झाड़ियों में, सज्जन लोग काम करते हैं होटल ले जाके, और आप जैसे प्रमुख सज्जन लोग कार के अंदर काम कर लेते हैं। लड़की की गंदी बातें सुनकर मैं समझ गया कि लड़की का क्या मतलब है। मैंने लड़की से कहा, तुम कौन हो और मुझे ये बातें क्यों कह रही हो? लड़की हंसी और बोली, मैं खूबसूरत हूँ। मेरा नाम जितना खूबसूरत है, अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत हूँ। आइए मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। जैसे ही लड़की कार के दरवाजा खींच रही थी, मैंने उसे बंद किया और कहा, आप देखिए, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हैं। इसके अलावा मैंने जानबूझकर यहाँ कार पार्क नहीं की है। कार का स्टार्ट अचानक रुक गया है और मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं आसपास किसी को मदद के लिए देख रहा था। लड़की झुकी और बोली, क्योंकि आसपास कोई नहीं है इसलिए मेरे साथ समय बिताओ, अपने को भी मजा आएगा और मुझे भी कुछ पैसे मिलेंगे। इस बार मैंने लड़की पर गुस्सा किया और उसे धमकी दी, तुम्हारी समस्या क्या है? इस तरह मेरे ऊपर गिर क्यों रही हो? अरे मैं तुम्हारी तरह गंदा नहीं हूँ, थोड़े पैसों के लिए अपने शरीर को ऐसे बेच रही हो? लड़की ने मेरी तरफ देखा और बोली, आप लोग ही तो इस शरीर को खरीदते हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? ब्यूटी अपनी कमीज का बटन खुद नहीं खोलती है, आप जैसे सज्जन इसे खोलते हैं। जब आप बच्चे थे तो आपकी माँ एक ग्लास दूध और कटोरी भर कर खाना लेकर आपके पीछे दौड़ती थी, और मैं अपनी माँ के पीछे सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए दौड़ती थी। आप और नहीं खाओगे इसलिए रोते थे, मुझे खाना नहीं मिला इसलिए रोती थी। लड़की की बातें सुनकर मैंने सर झुका लिया और बिल्कुल चुप हो गया। तब लड़की ने अपनी आंखों के कोने में जमा पानी को पोंछकर कहा, सुनो सज्जन, जब से मैं पैदा हुई थी मैंने अपने जन्म देने वाले पिता को अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। जब मैं 11 साल की थी तब मेरी माँ ने दूसरे आदमी से शादी कर ली। शादी के कुछ महीने बाद मेरी माँ बीमार हो गई। माँ बीमार होने के कारण मेरे सौतेले पिता को माँ से शारीरिक सुख नहीं मिलता था, वो सुख मुझे पूरा करना पड़ता था। मैं छोटी सी बच्ची, मैं रोई और अपनी माँ से कहा, माँ मेरे सौतेले पिता मेरे साथ बुरा करते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है। मेरी बात सुनकर माँ ने कहा, थोड़ा सहन कर ले, पेट का दर्द शरीर के दर्द से ज्यादा है, अगर तुम यहाँ से चली गई तो बाद में खाए बिना मर जाओगी। एक रात में उस नर्क से भागी और आपके इस सभ्य समाज में पैर रखा। मुझे लगा कि कोई मेरी मदद करेगा। मैंने मुंबई रेलवे स्टेशन पर 3 दिन तक खाना नहीं खाया। तब मुझे याद आया कि मेरी माँ ने सही कहा था, पेट दर्द शरीर के दर्द से ज्यादा होता है। मैं तुम जैसे सज्जन के दरवाजे पर थोड़ा बेहतर जिंदगी जीने के लिए गई लेकिन कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन जिस दिन से इस ब्यूटी ने अपने सीने से कपड़ा हटाया है तब से आप जैसे सज्जनों की कमी नहीं है। अब आप बोलिए कि इस रास्ते पर चलने के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ या आप जैसे सज्जन जिम्मेदार हैं? मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे पास जवाब देने के लिए कोई भाषा नहीं थी। हर लड़की के वैश्या बनने के पीछे एक कहानी है, वो कहानियाँ हमारे लिए अज्ञात है। हम केवल वैश्याओं का सस्ता मेकअप, गहरे रंग की लिपस्टिक और तेज परफ्यूम देख सकते हैं लेकिन उनके दिलों की जलने की गंध हमारी नाक को नहीं छूती। उस समय एक आदमी आया और लड़की से कहा, क्या रे, क्या इस आदमी के साथ काम खत्म हुआ क्या? अगर हुआ तो मेरे साथ चल। लड़की हंसी और उस आदमी से कहा, तुम किनारे जाओ, मैं थोड़ा और समय लूंगी। जब वो आदमी किनारे पर चला गया तो लड़की मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, मैं भी आपके जैसे सभ्य समाज में शामिल होना चाहती हूँ। किसी के साथ परिवार रखना, किसी के वापस आने का इंतजार करना, लेकिन मैं रात की जुगनू हूँ, दिन की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है इसलिए मैं दिन की रोशनी से भागती हूँ। इतना कहकर लड़की अंधेरे में उस आदमी से मिलने चली गई और मैं स्थिर खड़ा रहा और सोचा, शायद मैं नकाब के पीछे एक सज्जन व्यक्ति हूँ।